डुमरांव के माननीय विधायक श्री ददन यादव जी, बक्सर के माननीय विधायक श्री संजय तिवारी और मुन्ना तिवारी जी, बिहार राज्य महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती दिलमणि देवी जी, राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मोहतरमा अंजुम आरा जी, हमारे पुराने साथी भाई राम बिहारी सिंह जी, बक्सर जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री विध्याचल कुशवाहा जी, बक्सर जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राणा प्रताप सिंह जी, बक्सर जिला लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी जो आदरणीय वशिष्ठ भाई के सांसद प्रतिनिधि हैं, श्री अशोक सिंह जी, श्री विनोद यादव जी, श्री मनोज कुमार जी, बक्सर जिला परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती लालसा देवी जी, जल जीवन हरियाली जागरूकता सम्मेलन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी, पटना के कमिश्नर और परिवहन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, बुडको के प्रबंध निदेशक श्री चंद्रशेखर सिंह जी, शाहबाद क्षेत्र के डीआईजी श्री राकेश राठी जी, बक्सर के जिलाधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह जी, बक्सर के पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र नाथ वर्मा जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, जीविका की दीदियां, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, भीषण ठंड को झेलते हुए भी आप सब इस जल जीवन हरियाली जागरूकता सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और आज मुझे खुशी है कि अपने इस जल जीवन हरियाली यात्रा के सिलसिले में आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला है। मैं आपका तो नमन करता ही हूं, मैं इस धरती को भी प्रणाम करता हूं, इस स्थल को भी प्रणाम करता हूं। यह स्थल है आचार्य सुपूजन सहाय जी का, ये गांव है, यही उनका जन्म हुआ। और कितने बड़े साहित्यकार, लेखक, पत्रकार और जो हिंदी भाषा के बारे में जो उन्होंने हिंदी भाषा पर काम किया वो कभी नहीं भूला जाएगा। आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक आचार्य शिवपूजन सहाय जी को लोग याद रखते रहेंगे। और हम लोग तो अपने युवावस्था से ही उनके बारे में जानते हैं, उनकी किताबों को पढ़ने का मौका मिला था, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई हमारा जो कार्यक्रम यहाँ के डीएम ने बनाया है वो कार्यक्रम है जो आचार्य शिवपूजन सहाय जी की धरती है। और मुझे खुशी हुई आज पंचायत सरकार भवन में उनकी मूर्ति का अनावरण भी हुआ। और सिर्फ मूर्ति के अनावरण से काम नहीं चलेगा, यहाँ आने के बाद मुझको लग रहा है कि भाई आचार्य शिवपूजन सहाय जी की धरती है तो जो आचार्य शिवपूजन सहाय जी का साहित्य के बारे में और हिंदी भाषा के बारे में और समाज के विभिन्न चीज़ों के बारे में जो उनकी भूमिका रही है उसको देखते हुए यहाँ कुछ और करना होगा, ताकि हमको तो आने का मौका मिला, लोग भी यहाँ आया करें। तो हम देखेंगे। और हमने अभी मुख्य सचिव महोदय को ये कहा, और कितनी खुशी की बात, हमारे मुख्य सचिव हैं अभी दीपक बाबू। और जब बक्सर जिला बना पहली बार तो उसके पहले कलेक्टर यही थे, और आज इनको भी यहाँ आने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लग रहा। और गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, उनका भी इसी पंचायत में घर है, और यहाँ डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं,
तो ये तो पूरा का पूरा जगह जब यहाँ का कार्यक्रम बना तब पता चला कि भाई ये तो इनकी भी जगह है, ये पंचायत तो इनका भी है, इसलिए एक बहुत हुआ। और यहाँ से ही जुड़े हुए हमारे एक पुराने साथी थे, अब वो नहीं है दुनिया में, स्वर्गीय राजनारायण।